समाजवाद के पुरोधा थे शरद यादव। वीपी सिंह से लागू करवाया था मंडल कमीशन। प्रेशर पॉलिटिक्स का किया था इस्तेमाल। समाजवाद का पुरोधा माने जाने वाले शरद यादव आज हमारे बीच नहीं है। 50 साल के अपने सियासी जीवन में समाज के लिए उन्होंने कई काम किए। शरद यादव लोहिया और जेपी के समाजवादी विचारों के मानने वाले नेता थे। उनके कुशल राजनीति के चलते उन्हें सियासत का चाणक्य भी कहा जाता था। सरकार गैर कांग्रेसी हो तो इनकी ही धाक चलती थी। सरकार के फैसले बदलवा देने का मद्दा इनमें खूब था। 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था। कहा जाता है कि इसमें शरद यादव का अहम रोल था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि शरद यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया था। कैसे और क्या हुआ था, इस वीडियो में हम इसकी पूरी दास्तां बताने जा रहे हैं। 1990 में मंडल कमीशन लागू 1990 में मंडल कमीशन लागू कर दिया गया था। इसको लागू करवाने का श्रेय ओबीसी नेताओं को जाता है, जिसमें शरद यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। 1989 के अंतिम महीने में वीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र में जनता दल की सरकार बनी थी। ये एक गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिसमें ओबीसी समुदाय से आने वाले दिग्गज नेता शरद यादव और लालू प्रसाद यादव शामिल थे। वहीं केंद्र में दलितों के नेता रामविलास पासवान भी शामिल थे। सरकार बनते ही सभी ओबीसी नेताओं ने वीपी सिंह पर मंडल कमीशन पर तेजी से काम करने और उसे लागू कराने का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 1989 में एक एक्शन प्लान का ऐलान किया गया, जिसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। चौधरी देवीलाल को इसकी अगुवाई करने को कहा गया। देवीलाल और बीपी सिंह का टकराव आ रहा था आड़े। मंडल कमीशन की राह में चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह का सियासी टकराव आड़े आ रहा था, जिसकी धुरी हरियाणा का महम कांड था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और देवीलाल की सियासी अनबन का असर सरकार पर पड़ने लगी थी। एक वक्त ऐसा आया कि चौधरी देवीलाल ने सरकार से किनारा कर लिया। वीपी सिंह की सरकार गिराने की राजनीति होने लगी और सरकार खतरे में आ गई। यही वो वक्त था जब मंडल कमीशन लागू करवाने में शरद यादव की भूमिका सामने आई। शरद यादव ने किया था प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल। ओबीसी रिजर्वेशन लागू करवाने के लिए शरद यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया था। इसका जिक्र वीपी सिंह की बायोग्राफी में है, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, इस किताब का नाम है, जिसमें लिखा गया है कि वीपी सिंह ने शरद यादव को फोन किया। इस फोन कॉल में उन्होंने देवीलाल के बारे में जानकारी दी। सरकार से समर्थन खींचने के बाद देवीलाल शरद यादव को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, वहीं वीपी सिंह भी इन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। यहां शरद यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाने की शर्त पर वीपी सिंह का साथ देने को कहा। अपनी सरकार बचाने के लिए वीपी सिंह ने शरद यादव की बात मान ली। फिर 7 अगस्त 1990 के दिन सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू कराने का ऐलान कर दिया गया। इसके बारे में शरद यादव ने खुद भी बताया था कि वीपी सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू करवाने का फैसला मजबूरी में लिया था। इस किताब में तो यहाँ तक लिखा गया है कि शरद यादव ने वीपी सिंह की गर्दन पकड़कर मंडल कमीशन लागू करवाया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।